हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार बेटा। तेरे हाथ में काम दिया तो सुन 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 अब बात तो अपन ने सारी बोल। हाँ बोल ना। सुनना, अरे मेरी बात नहीं नहीं मैं कुछ और बोल रहा हूँ, तू कुछ और समझ रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ, तू मेरे मेरे बिहाफ पे जो दबा सकता है दबा ले, बस उतना ही तो काम है यार, और क्या है। मैं ये थोड़े बोल रहा हूँ कि अपने को छोड़ना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन मैं सुन रहा है, कोई बड़ा झगड़ा तो है नहीं। अब तेरे को लगता है कि नहीं वो तो उतना ही चाहिए, तो मैं उतना भी दूंगा, लेकिन फिर मेरे लिए फिर मेरे फिर नहीं नहीं तेरे अरे तेरे पागल, मैं तेरी बात नहीं कर रहा, सामने वाले की बात कर रहा हूँ। इतना नहीं नहीं सुनो सुनो ना, अब तेरी तेरी इतनी तो सुनता होगा ना यार, जिसकी इतनी दोस्ती है। मैं किसी सुनना ये मैं तो तेरे से भी बोला मेरा नाम बीच में नहीं रहे तो ज्यादा अच्छा है, पर चलो तू घर का लड़का है इसलिए वो तो वो कोई बात नहीं तेरी। तो सुनना, अरे तेरे तो मेरी बात सुन ले, 2 मिनट काम है, उस पर क्या घिस घिस करना है। इसको इसको मतलब जो घर में बचेगा ये काम आएगा, 4:30 करा के अब, और उसके बाद भी नहीं सुनना, अरे मेरी बात सुन, अब अगर उसके बाद भी नहीं माने तो फिर जो तू बोलेगा बस, और उसमें क्या दिमाग लगा रहा है। अब अगर तेरी लिहाज भी नहीं रखेगा, अरे तो बात अरे तो गधे, ये तो समझ कि अब फर्क क्या रह गया। मैं तो यही बोल रहा हूँ, जो बच जाए ऐसे मामलों में। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, मेरे लिए भी 10-50 की ऐसी कोई बात नहीं है, अरे मैं सुन ना, तेरे मैं आपसे 10-50 नहीं, मैं आपसे कई करोड़ कमाऊंगा, मैं भी बता रहा हूँ आपको। मैं अधिकार से मतलब मेहनत करेगा मानूंगा आपसे, लेकिन आप मेरी बात को नहीं समझ रहे। इसको आप लोग मत छोड़ो, मेरी बात को मानो और यथासंभव जल्दी शीघ्र करो इसको। नहीं तो किसी ने उसको दे दिया ना ऑफर। हाँ अच्छा अच्छा सुनना, आप तू जो तेरे को जच्चे कर ले यार, जब अब हमारे तेरे बीच में कोई फर्क तो अरे यार आजा सुनना, जो 4:30 दिया उसको 5 दिनों में क्या परेशानी है यार। अब तेरे ऊपर छोड़ दिया यार, तू अब सुनना, अब तू उसमें शांति रख, तू अब तेरे ऊपर छोड़ दिया ना, तेरे को ये लगता हो इतने में होता है, तेरे ऊपर छोड़ दिया ना, काम खत्म हुआ। नहीं ये सुनना, ये फाइनल आज रात को कर दे तू, अब तेरे को जहाँ जचे यार, अब इसके बाद में क्या क्या रुक गई बात, फिर कहाँ रह गई। आखिरी तो वही है ना जो तू बोल रहा है। अरे यार तू बार बार ही क्यों उस बात को बोलता है, मैं भी इतना तो समझता हूँ, तो मैं जब इतना पारिवारिक रिश्ता है तो इतना तो मैं भी समझता हूँ कि तू कोई अपने लिए नहीं कर रहा है, लेकिन मैं 2 दिन कोशिश भी किया उससे बात करने। अरे सुनना, अरे तो अब कोई बात बची नहीं, और अगर फिर भी तेरे को लगता है नहीं वो पहुंचे ही होगा तो तू तेरी समझ में आ जैसा कर, और इस ये चैप्टर को ध्यान, लेकिन इसमें इतना उससे बात कर लेना, मेरे को मतलब एक आज आया एक कल आया इस टाइप से आते रहेगा, तेरे को जैसे जैसे मतलब मिल जाएगा, ये नहीं कि एक साथ, क्योंकि एक साथ में अभी थोड़ा सा कैश फ्लो की दिक्कत जाएगी ना, तो मैं वो हो जाए, जब मैं डील कर रहा हूँ तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उतना उतना तो मैं देना तो यहाँ तेरे को ही है ना, तू अपना ट्रांसफर वांसफर तू करते रहना, हम तेरे को दे देंगे, काम खत्म। इकट्ठा नहीं आएगा तो 5-7 दिन में आ जाएगा, मतलब ये है एक आ जाया दे दिया, इतना इकट्ठा आता नहीं, मतलब कैश नहीं निकलता ना आजकल, हर बिजनेस का झंझट ही है, तो वो मेरी जिम्मेदारी है ना, वो तो जब बात हो गई तो हो गई, फिर चाहे साला 100 100 100 की सुनो ना, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, वो पेमेंट पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, मैं आपको आपके घर पे लाके दूंगा। एक दिन में उसको तेरे ऊपर इतना भी यकीन नहीं है कि साला बदल 2 दिन आगे पीछे आएगा?
काम में आप समझते हैं ना, कोई व्यक्ति वाली बात ही नहीं है, जबरदस्ती कुछ नहीं यार, जब 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 पूरा पूरा दे रहे हैं तो फिर जबरदस्ती कहाँ रह गई है ना। तो वो 5-7 दिन में दो ना, कोई दिक्कत नहीं ना, उसमें कोई समस्या नहीं है। 5-7 दिन में दे दो, बंदा अपने हाथ में है, अपन एक ही बार दे करके एक बार ले लेते हैं उससे, उसके बाद वो वहाँ से भी सब हटवा दूंगा मैं, कुछ रहेगा नहीं उसके पास। वहाँ वो तो पहली बात है, अगर कुछ बच गया तो फिर तो दो कौड़ी की चीज हो गई। नहीं वो ये सुनिए ना, उसका पूरी जिम्मेदारी मिली है, कहीं भी चीज मतलब ही नहीं है, पूरी चीज मतलब ही नहीं। बात देखिए, इतना पैसा देने का मतलब क्या हो, नहीं वो तो वो तो उसके लिए जिम्मेदारी मेरी बैठी है, मैं बैठा उसके लिए। चलो ठीक है, आप तू डन कर यार, पूरी मेरी जिम्मेदारी है, उसकी अमानत है, उसके हाथ में रहेगी बात। भैया फिर आपको देना चाहेंगे तो वो जानेंगे, मैं बोला नहीं नहीं वो तो फिर ठीक ही बात है, फिर तो चाहे वो उसका कुछ भी करो है ना। नहीं तो अगर कोई भी आपके अलावा कहीं से भी अगर वो बाहर आएगा तो मेरी पूरी जवाबदारी 100% मैं इसी बात का, तो मेरे को पूरा विश्वास है। मनी बैक गारंटी 100% बस आपकी तरफ से नहीं आना चाहिए। अरे यार पागल है क्या, मैं अपनी तरफ से मैं इतना तो, इतनी तो समझ भी आ गया। उसकी तो मैं इतनी बड़ी गारंटी लेता हूँ कि आप मतलब उस बारे में विचार ही नहीं करना कभी। अच्छा, आज नहीं 6 महीने बाद 2 महीने बाद आपको जैसा जो यूज करना आप करो, 100 गारंटी ले रहा हूँ उस बात की कि वो कभी कहीं किसी जगह आपको नहीं मिलेगा। अगर लीक होगा तो आपकी तरफ से होगा, मेरे यहाँ यार तो ऐसा तो। अच्छा मैं क्या ये बांटने के लिए ले रहा हूँ क्या, मैं भी तो नहीं वो चलाने के बाद तेरी क्या जिम्मेदारी, चलाने के बाद तेरी क्या जिम्मेदारी, फिर तो कोई सवाल ही नहीं है। नहीं नहीं वो दूसरी जगह मतलब दूसरे के इंस्ट्रूमेंट में अपन ना दे, चिंता ही मत करो, हम लोग मीडिया में दूसरे का लेते हैं, अपना कोई ले जाए मजाक है। मैं जो कह रहा हूँ की बिल्कुल एक पैसा उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। अच्छा तू सामने सुनना, तू उसको डन तो कर दे, फिर मैं करता हूँ जुगाड़ करता हूँ है ना। ये हमारे तेरे बीच में डन हो गया, खत्म हो गई बात, और अब उसको घिस घिस करने से क्या मतलब है। पर यार जब हाँ कर दिया तो मेरे को भी समय पे चाहिए ना, तो थोड़ा हाँ मैं करवा देता हूँ, हमारे तरफ से डन हो गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो।